ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ कि धनु राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम हेल्थ की। हेल्थ की बात करें ना, तो इस महीने आपको कोल्ड कफ से रिलेटेड दिक्कत रह सकती है, आपको पेट से संबंधित थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, आपको एंगर इश्यू हो सकते हैं, ओवर स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आप अपने साथ साथ अपनी मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखें। अब बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। इन लोगों की बात करें ना, तो इन लोगों के लिए जो टाइम है ना, बहुत अच्छा रह सकता है। आपको आपके भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, आपको खूब नेम फेम भी मिलेगा। कोशिश करें आप इस समय को यूटिलाइज करने की। इस समय को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं ना, तो ये जो टाइम है आपको बहुत सारी चीजें सिखा कर भी जाएगा और देकर भी जाएगा। अब हम बात करेंगे कि लव कपल्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। आप लोगों को ना अपने मन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, अपने विचारों पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना होगा, नहीं तो बिना वजह का आपका नाम खराब हो सकता है। इसलिए अपने बिहेव पर थोड़ा कंट्रोल करें और अपने रिश्ते की रिस्पेक्ट कर चलें। अब हम बात करेंगे कि मैरिड कपल्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। मैरिड कपल्स की बात करें ना, तो ये टाइम जो है आप काफी इंजॉय कर सकते हैं, आप घूमने फिरने की प्लानिंग बना सकते हैं, वेकेशन पर जा सकते हैं, आप फैमिली के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, कोई भी ऐसे अपशब्द यूज ना करें जिससे आपके परिवार का या फिर आपके पार्टनर का दिल दुखे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। बिजनेस वालों की बात करें ना, तो ये जो महीना है आपका मन जो है टिकने वाला नहीं है। आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, क्या करें क्या ना करें। ऐसी कंफ्यूजन की वजह से ना आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में, उसको बढ़ाने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और हो सकता है कि आपका माइंड इतना चेंज हो जाए कि आप अपने बिजनेस को ही चेंज करने में लग जाएं, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। तो इसलिए आपको इस टाइम पे ना कोई भी कार्य करते वक्त, कोई भी जो बड़ा डिसीजन लेते वक्त किसी की सलाह जरूर ले लेनी है, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कि जॉब वालों के लिए महीना कैसा रहेगा। जॉब वालों के लिए जो महीना है ना, आपके काफी सपोर्ट में रहेगा, आपको आपकी काबिलियत की वजह से खूब नेम फेम भी मिलेगा, आपको आपके सहकर्मियों का सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन थोड़े अपने एटीट्यूड पर, अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, नहीं तो जितना भी आपने मेहनत की है वो सारी खराब हो सकती है। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो महीना है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं, आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अब गौ सेवा कर सकते हैं, पिता के चरण छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सिट्रिन क्रिस्टल ब्रेसलेट भी यूज कर सकते हैं, इसे आप हमारे स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो महीना है आपके लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।